हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन चीला की रेसिपी, जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। तो इसके लिए हमको चाहिए होगा एक गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज। आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स ले सकते हैं। हम इन सबको अच्छे से बारीक कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है। इसके बाद मैंने लिया है 200 से 250 ग्राम बेसन, अब हम इसमें अजवाइन को क्रश करके मिक्स कर देंगे। तो मैंने ये अजवाइन को अच्छे से क्रश किया और इसमें मिक्स कर दिया। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सौंफ, जो कि इसके टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। इसको भी क्रश करके डालेंगे। फिर इसमें ऐड करूँगी हींग। अब हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। अब इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। अब मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें सारे वेजिटेबल्स जो भी मैंने कट किए थे सबको मिक्स कर दूँगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें धीरे धीरे पानी ऐड कर रही हूँ। आप जिस तरह पकौड़ी का बेटर बनाते हैं उसी तरह आप इसका बेटर भी बनाएंगे, लेकिन उससे ये काफ़ी ज़्यादा पतला होगा। तो आप देखिए कि मैं कितना पतला इसको रख रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये इतना पतला मुझे चाहिए था, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा लिक्विडी। तो मैंने इस तरह का कुछ बेटर बना लिया है। तो चलिए, अब हम चीले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चीले बनाने के लिए मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। आप नॉनस्टिक या लोहे का तवा ले सकते हैं। मैं दोनों पे आपको बनाकर दिखाऊंगी। अब मैं इसमें बेटर को डालूंगी। अब अच्छे से इस बेटर को हम लोग फैला लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। मैंने ये अच्छे से फैला लिया है। थोड़ा देर इसको हम पकने देंगे। अब इसमें हम ऊपर से ऑयल डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं, जले नहीं। अब हम इसको अच्छे से पलट लेंगे। तो मैंने इसको पलट लिया है। इसको भी हम दूसरा साइड से अच्छे से सेक लेंगे। दोनों तरह से अच्छा सेक लेंगे। ये मेरा एक चीला रेडी हो गया है। अब मैं आपको लोहे के तवे पे इसको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं लोहे के तवे पे ये कैसा बनता है। तो मैंने ये लोहे के तवे में उसी तरह सेम वेटर को डाल दिया है और बाद में इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है ताकि ये चिपके नहीं। ऑयल डालने के बाद चीला चिपकता नहीं है, अच्छे से निकल जाता है। इसको अब हम पलट लेंगे। तो मैंने इसको पलट लिया है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि नॉन स्टिक तवे से अच्छा चीला आपका लोहे के तवे पे बनता है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोहे के तवे पर ही बनाएं। इसको भी दोनों तरफ से हम लोग सेक लेंगे। ये मेरा हो गया है। मैंने इसमें चीज़ डाला, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है चीज़ वाला चीला। तो आप चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं।
काफ़ी टेस्टी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा यमी यमी टेस्ट आता है। तो मैंने चीज़ डाल के इसको पलट दिया है और दोनों तरफ से एक बार फिर से मैं हल्का सा गरम कर लूँगी। तो ये मेरा रेडी है चीला विद चीज़ और विदाउट चीज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना।